Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu News discussion जो कि CLAT, ALIT, CLAT PG, NLSAT and other law and test test आप देंगे, आप लोगों के लिए important हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गवाएं आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए सबसे पहले आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल पेज है वहाँ से हमने जो जो आर्टिकल देखने हैं, सेकेंड जो इसका पेज आएगा वहाँ पर हमने G20 का एक आर्टिकल उठाया है। और यहाँ पे देखिए 3 to 2 करके जो आर्टिकल है, अभी इंडिया एंड यूएस के रिलेशन में थोड़ा सा तनाव आ रहा है क्योंकि F-16 फाइटर जेट जो है वो अपग्रेड कर रहा है यूएस, जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ है, तो ये मसला पूरा देखेंगे। यहाँ पे वेलवॉन जो है ना, ये एशिया कप से रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड न्यूज़ देख लेंगे। देखो ये मत सोचना कि लास्ट 1-2 से क्लैट का पेपर है या फिर मेनली जो फ्यूचर आपने पास्ट में जो है अभी कुछ दिन से स्पोर्ट्स की न्यूज़ नहीं देखी है तो नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी चीज़ फंस सकती है, तो थोड़ा बहुत सब देखते हुए चलना है, ठीक है। अभी T20 वर्ल्ड कप भी है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाएगा, अभी ही है ना, हाँ अभी होगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो हमारा क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है विजेता बैच के नाम से। आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं, बुक्स आपके घर पे आएंगी, क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। क्लैट पीजी 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अचीवर्स बैच यहाँ पे शुरू हो चुका है। क्लैट पीजी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैंपियंस बैच भी शुरू हो चुका है, तो वो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। NLSAT 2023 के बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी 2024 के स्टूडेंट्स एवेंजर बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग क्लैट के बुक्स अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो 7 बुक्स आपको कुरियर हो जाएंगी, प्लस आपको 50+ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आप कैसे ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे इन कोर्सेज का डेमो देख सकते हो, डिटेल देख सकते हो। इनके अलावा इन सभी एग्जाम्स के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत फंसती है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला आर्टिकल ना मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है आज, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, इंडिया बांग्लादेश के टाइज से रिलेटेड। पर इंडिया बांग्लादेश के टाइज से रिलेटेड एक आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? देखो वो जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना गाइस, तब इंडिया और बांग्लादेश में जो अभी शेख हसीना जी आने वाली थी, तब आने वाली थी, अब क्या है वो आ चुकी हैं, तो कुछ अंतर आया है चीज़ों में, तो वो जो नए अपडेट्स हैं ना वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 से 8 सितंबर के बीच में शेख हसीना जी, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भारत विजिट पर आती हैं। और देखिए शेख हसीना जी हमेशा ये चीज़ कहती हैं कि इंडिया इज़ वेरी क्लोज टू हर हार्ट। इसके पीछे कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए शेख मुजिबुर रहमान जो हैं वो इनके पूरी की पूरी इनकी जब फैमिली है उसको असैसिनेट कर दिया जाता है, एंड तब उस समय जर्मनी में अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो इनको इंडिया में ही रखा गया था उस समय, ये इन्हीं की फैमिली का पूरा पार्ट है। और इन्हीं की फैमिली में जब पूरी पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया था बांग्लादेश में, तो शेख हसीना जी जर्मनी में पढ़ाई करती थी, तो उनको इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार थी, तो उन्होंने जो है इनको अपने यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि असाइलम टाइप का दिया था। और फिर क्या होता था कि बांग्लादेश के जो लीडर्स होते थे वो इंडिया ही आते थे इनसे मिलने के लिए। शेख हसीना जी इज़ डॉटर ऑफ शेख मुजिबुर रहमान, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं, तो उस समय जो मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जी ने इनको यहाँ पे सपोर्ट दिया था, तो ये बात ये हमेशा कहती हैं, बहुत जगहों पे कहती हैं कि इंडिया इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इंडिया ने मुझे तब मदद करी थी जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरा फेज जो 1971 में, आपको पता है कि जो बांग्लादेश है पहले वो पाकिस्तान का पार्ट होता था, तो वो भी इंडिया ने ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई है पाकिस्तान से, और बांग्लादेश बांग्लादेश बना है। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से बांग्लादेश का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है ना इंडिया के लिए, वो हमेशा रहा है, और जब से शेख हसीना जी आई है थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। तो ये वाली चीज़ थी। अब थोड़ा सा इसमें और समझते हैं। अब दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में देखो ना, 2014 में एक प्रॉब्लम्स आती थी रिगार्डिंग मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, तब इस पे ना एक फैसला आया। तो इस फैसले के अंदर ना देखो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, चाइना भी था, इंडिया भी था, आपका बांग्लादेश भी था। तो चाइना ने तो मना कर दिया कि जो ये फाइनली कंक्लूजन हुआ है लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट का, हम नहीं मानते, लेकिन इंडिया ने मान लिया था। तो ये इंडिया की तरफ से भी एक प्रयास था कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं और ज़्यादा इश्यूज ना रहें।
टू गवर्नमेंट्स हैव सक्सेसफुली रिजॉल्व सेवरल ओल्ड प्रॉब्लम्स सच एज द एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स एंड द कंक्लूजन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट. तो ये तो मैंने आपको बताया लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट. ये एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स क्या है? देखो क्या हो रहा था ना कि बहुत सारे बॉर्डर एरियाज में, जैसे ये आपका इंडिया है, यहीं पे देख लो, ये आपका इंडिया है, ये आपका बांग्लादेश है. तो पहले क्या हो रहा था ना कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश के कुछ गांव आ रहे थे और बांग्लादेश के अंदर कुछ इंडिया के गांव आ रहे थे. तो फिर इससे क्या हो रहा था ना, मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो फिर दोनों कंट्रीज ने लैंड को एक्सचेंज कर लिया था. तो वही यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स लिखा हुआ है. इसके बाद थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले चार ऐसे इश्यूज हैं जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में चल रहे हैं, जिसको काइंड ऑफ अभी थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट किया जा रहा है. सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ 1.1 मिलियन रोहिंग्यास इन बांग्लादेश, जो कि म्यांमार से 2017 में आए थे, और जिससे जो बांग्लादेश की इकोनॉमी कोई बहुत खास नहीं है, तो वो ऑलरेडी इम्पैक्टेड थी और ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है. देखो रिफ्यूजीज़ हो गए या फिर कोई भी लोग असाइलम लेने के लिए इलीगली माइग्रेंट्स जो आ जाते हैं, इनसे इतनी दिक्कत क्यों होती है किसी को भी? इनसे दिक्कत देखो इसलिए होती है कि आप सिंपली समझो कि जब कोई देश खुद अभी प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो जो भी उस देश की पूंजी है, देश का जो भी प्रयास है गवर्नमेंट का, वो उस देश के लोगों के लिए पहले होगा, या कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए होगा, फिर उनके लिए होगा तो फिर देश के लोगों के लिए क्या करेंगे? तो वो वाली इशू फंस जाती है. तो ये प्रॉब्लम है. तो हसीना जी ने हमेशा ये बोला है कि बड़ी कंट्रीज़ को इनको एकोमोडेट करना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं रखना चाहिए, हमें इस तरीके की चीज़ें हैं. लेकिन भारत ने देखो कभी इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दी कि इनको म्यांमार में वापस भेज दो, पर भारत ने ये जरूर कहा है कि हम आपको जो है फाइनेंशियली हेल्प देंगे बांग्लादेश के लिए, भारत ने ये कहा है. तो एक इशू ये था जो थोड़ा सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है. तीस्ता वाटर वाला इशू जो है ना, ये चला ही आ रहा है. अब इसमें देखो वेस्ट बंगाल का भी अपना कंसर्न जायज़ है कि अगर ये वाटर शेयर करने लग जाएंगे तो फिर वेस्ट बंगाल के किसानों का क्या होगा? तो वो एक इशू है जो अभी तक पेंडिंग चला जा रहा है. इसके अलावा तीसरा जो एक इशू है वो ये कि बांग्लादेश एंड चाइना के रिलेशन अभी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो इंडिया को वो चीज़ भी सही नहीं लग रही है. लेकिन देन ये है कि हम हमारे बायलेटरल रिलेशन मेंटेन करते हैं, उनका उससे हो रहा है, उससे हमारा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हो नहीं रहा है. और इवन बांग्लादेश ने भी इस बात साफ कह दी है कि हमें इंडिया चाइना के बीच में आने का कोई मन नहीं है. तो वो अपने अपने बायलेटरल रिलेशन दोनों ही कंट्रीज रख रहे हैं. एक और प्रॉब्लम बांग्लादेश में देखने को मिलती है कि वहाँ पे ना जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो कि मोस्टली हिंदू हैं और भी इस तरीके के रिलीजन्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे जाते हैं अगेंस्ट देयर जनता जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ होते हैं. पहले तो देखो ना, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भी होते थे बांग्लादेश में जो इंडिया के खिलाफ समय समय पे गतिविधियाँ करते रहते थे. लेकिन जब से शेख हसीना जी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ को तो रोक डाला गया है. लेकिन हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो इंसिडेंट्स हैं वो अभी भी हो रहे हैं. तो हेटेड अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटीज़ जो है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो ये वाली चीज़ है. इसके अलावा ठीक है, इंडिया की मैं भी इनकी जो लेटेस्ट विजिट हुई है वो 2019 में ही इससे पहले आई थी और फिर अब हुई है. बीच में मोदी जी भी वहाँ पे गए थे, तो ये चीज़ें चलती रह रही हैं. अभी जो विजिट आई है, इसके पीछे दो तीन और भी कारण हैं, जैसे कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान, द फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश के जिनको बोला जाता है, द गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस, 50 ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हुए थे. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसीलिए अभी ये मीट भी आपके सामने आपको देखने को मिली थी. अब अभी जो मीट हुई है, इसमें क्या क्या नए चीज़ें देखने को मिली हैं? तो 7 एग्रीमेंट्स ऐसे नए चीज़ों पे हुए हैं, जैसे कि वाटर शेयरिंग, रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, मीडिया एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. इसके अलावा कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी 2022 के अंदर लॉन्च करने की बात करी है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, दोनों कंट्रीज़ ने. बेसिकली होगा क्या CEPA से कि जो ट्रेड होते हैं ना, वो थोड़े बेटर हो जाएंगे. जो बीच में बैरियर्स होते हैं टैक्स का या और भी चीज़ों का, वो थोड़ा कम हो जाता है. तो वो वाला एग्रीमेंट की बात है यहाँ पे. देखो क्या है ना, बांग्लादेश के पास अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है, पर ये 2026 तक है. इस स्टेटस का बहुत फ़ायदा होता है इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड एंड एवरीथिंग में, पर ये 2026 के बाद बांग्लादेश से हट जाएगा. तो बांग्लादेश भी उसी के प्रयास में आगे लगा हुआ है बायलेटरल रिलेशन करके अपना ट्रेड नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं. कनेक्टिविटी तो दोनों कंट्रीज़ की ऑलरेडी बहुत अच्छी है, इसको और अच्छा कर सकते हैं. तो ये बेसिक चीज़ें थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. रोहिंग्याज वाले मसले में क्या हुआ,
तो ये यही यहाँ पे बात यही हुई है कि भारत ने ये तो नहीं कहा है कि हम म्यांमार को दिक्कत देंगे या म्यांमार से कुछ कहा है कि आप इनको वापस ले लो। भारत ने ये कहा है कि हम जो है आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराएंगे जो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रोहिंग्याज है ना वो बांग्लादेश में ही शरण लेके पहुंचे हैं। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिसप्लेस पीपल फ्रॉम रैखिन स्टेट, ये रैखिन स्टेट पता है कहाँ है ना, यहीं पे रोहिंग्यास थे और फिर ये भाग के कुछ बांग्लादेश गए, कुछ इंडिया गए, कुछ और भी कंट्रीज में चले गए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है एशिया कप के बारे में, ठीक है। तो एशिया कप क्या है? क्रिकेट का ये एक टूर्नामेंट है जिसमें एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। पहला एडिशन जो है इसका 1984 यूएई में हुआ था और लेटेस्ट एडिशन 2022 का भी यूएई में हुआ है। इसको इस तरीके से याद कर लो जल्दी जल्दी, कैसे जल्दी जल्दी, कि लास्ट भी यूएई में था और पहला भी यूएई में था 1984 में। नेक्स्ट एडिशन लिखा हुआ है 2024 का पाकिस्तान में, जो कि मुश्किल लग रहा है, तो फिर से यूएई में ही हो जाएगा, है ना। तो ये होता है, इस बार वैसे होना श्रीलंका में था लेकिन श्रीलंका की क्राइसिस की वजह से यूएई में इसको शिफ्ट किया गया था। करंट चैंपियन श्रीलंका है। सबसे ज़्यादा टाइटल जो है वो इंडिया के पास हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं इसमें सनत जयसूर्या, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन। तो दोनों ही श्रीलंकन क्रिकेटर्स हैं। अभी क्या हुआ था, फाइनल में पाकिस्तान एंड श्रीलंका पहुंचा था। आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद उनकी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो कुछ खुशियाँ दी हैं अपने देश को। और देखो स्पोर्ट्स जो है ना वो पूरी टीम को या फिर आप कह सकते हो पूरे कंट्री को एकजुट लेके आता है। चाहे आप इंडिया का ही मैच देख लो, जब इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है तो फिर चाहे उस रूम में किसी पॉलिटिकल विचारधारी का बंदा, पॉलिटिकल विचारधारा का बंदा हो या कुछ भी हो, सब लोग बस कहते हैं इंडिया इंडिया, कोहली कोहली। तो वो वाली बात हो जाती है। स्पोर्ट्स जो है ना वो लोगों को यूनाइट करने का काम तो करता है, नो डाउट। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो है 3-2 टैंगल। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है। मैं आपको ना थोड़ा सा एक पहले तो जियो पॉलिटिक्स समझाता हूँ। यूएस करता क्या है? यूएस ना बस पंप करता है सबको। अभी यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ है, यूएस ने यूक्रेन को पंप किया, यूक्रेन पंप हो गया और रशिया से पंगा ले लिया और रिपरकशन सारे झेलने पड़ गए। अब यूक्रेन को नेटो में भी नहीं मान लिया है किसी ने। फिनलैंड स्वीडन को भी यूएस ला रहा है नेटो में कि रशिया फिर गुस्सा हो, फिर कुछ हरकत करे, यूएस मजा उठाए। ताइवान में यूएस ऐसा कर रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर पूरे विश्व में शांति हो जाएगी ना, तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी का जो इनका पोर्शन है ना वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट से आता है। अब अगर वो एक्सपोर्ट होने बंद हो जाएंगे जब पूरे विश्व में पीस आ जाएगी, तो पीस कैसे स्टेब्लिश होने देते हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया है, F-16 फाइटर जेट जो है ना इन्होंने 1980s में पाकिस्तान को दिए थे। समय समय पे ये जो है इस F-16 फाइटर जेट्स को जो है वो अपग्रेड करते रहते हैं। देखो टेक्नोलॉजी पुरानी होती रहती है तो उसमें कोई नई चीज़ डालनी है, नई बैटरीज डालनी है, नए सामान डालने हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। भारत ने 1980s से लेके आज तक हमेशा F-16 फाइटर फ्लीट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है कि यूएस जो है ये चीज़ क्यों कर रहा है। यूएस इसके पीछे ये रीज़न देता है कि पाकिस्तान हमारा नॉन नेटो एलाय है और हम चाहते हैं कि वो टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए उसको हम ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जबकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही टेररिज्म प्रमोट करती है, वहाँ की आर्मी ही टेररिज्म प्रमोट करती है। उनकी तो पॉलिसी है कि इंडिया में टेररिज्म बढ़ाओ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। 2016 के अंदर भी ओबामा जी के एडमिनिस्ट्रेशन जो है F-16 फाइटर्स जो हैं वो फाइटर जेट्स जो हैं वो पाकिस्तान को देने वाली थी, लेकिन उनकी कांग्रेस ने स्टॉल्ट कर दिया था इसको। न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें, भारत की हम बात करें, तो आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब अगले दिन जब पाकिस्तान ने उसका रिपरकशन के लिए क्या कोशिश करी थी कि F-16 को लेके जो है ना वो इंडियन मिलिट्री बेस के पास आ गए थे, जब न्यूज़ आई थी काफ़ी सारी, और इवन कुछ मिसाइल्स के F-16 के मिसाइल के टुकड़े भी मिले थे बाद में भारत के बॉर्डर बॉर्डर वाले एरिया से। तो भारत का जो इसके प्रति जो गुस्सा है F-16 के प्रति या फिर यूएस के प्रति बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान इसको यूज़ करता है और इस तरीके की चीज़ें जो है ना पाकिस्तान को और पंप करी जा रही हैं यूएस के थ्रू कि भैया आपको हम शक्ति दे रहे हैं, आप करो। तो ये F-16 के अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली जो है फॉरेन मिलिट्री सेल्स वर्थ $450 मिलियन फॉर इंजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स एंड स्पेस फॉर पाकिस्तान F-16 जो है ये डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में। और इसी के ऊपर जो है वो भारत ने ऑब्जेक्शन उठाया है। एक तरफ यूएस जो है वो लताड़ता है कि भाई पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये चीज़ें देते हो,
एक तरफ आप FATF की लिस्ट में डलवाते हो, दूसरी तरफ आप ये करते हो, तो ये बड़ा मतलब US का ना हिपोक्रेसी है। और इसीलिए देखिए US जो है ना कभी भी आपका रिलायबल पार्टनर इंडिया का भी नहीं रहा, और इंडिया को ये चीज़ पता है। इवन आपको याद होगा 1971 का जब वॉर हो रहा था ना इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो बाद में बांग्लादेश बना था, तो उसमें ना US जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर चुका था मैदान में। वहीं रशिया ने भी फिर अपने भारत के सपोर्ट में अपने कहा था कि अगर US घुसेगा तो फिर हम भी सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इस वजह से फिर US ने अपने चीज़ों को वापस लिया था, अदरवाइज़ US जो है वो कूद रहा था इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई के बीच में, पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो इस तरीके की चीज़ें वो करता है। अब US को पाकिस्तान की और नीड है, क्यों नीड है? अफगानिस्तान से तो इनकी फोर्स जा चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान को नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए अभी रिसेंटली एक आदमी को उड़ाया है। किसको उड़ाया है जल्दी बताओ, जल्दी याद करो, सोचो, ओसामा बिन लादेन से रिलेट करके अलकायदा के एक आदमी को। तो उसको उड़ाने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि भैया जो पूरा टेक्नोलॉजी, ये जो ड्रोन था, ड्रोन को लैंड वैंड, ये सारी चीज़ें कराई गई थी पाकिस्तान में, कराई गई थी पाकिस्तान से ही, इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो पाकिस्तान जो है US को काम का है भाई, वो बिल्कुल उसको अपने तरीके से यूज़ करता है और सारी चीज़ें करता है। वहीं हम बात करें इंडिया एंड US की, तो इंडिया US के रिलेशन ठीक हैं, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट पे हम लोग सेम साइड पे नहीं हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन हो गया, दूसरा कि हम रशिया से सामान भी लेते हैं, तो काटसा लगाने की बात करता है US, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट। काटसा क्या होता है गाइस? बेसिकली US का ये कहना है कि अगर जो है काटसा, इनका ये कहना है कि अगर आपने हमारे एनिमी कंट्री से कोई भी सामान लिया, बेसिकली ट्रेड किया, मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए, तो हम आपके ऊपर सेंक्शन लगा देंगे। लेकिन इंडिया को वो भी इग्नोर करता है, इंडिया लेता है वो तब भी कुछ नहीं कहते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ना सब मिला के ये है कि US को इन मुद्दों पे ध्यान देना होगा, वरना इस तरीके से इंडिया और US के रिलेशन जो है वो बेटर नहीं हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं, और इसमें और तो कोई ऐसी कोई खास चीज़ अब बची नहीं है। अगला आर्टिकल है ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़ा देख लेते हैं G20 के बारे में, हमने पहले भी देखा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो लेट 1990s में जब काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस को जूझ रही थी, उस समय रशिया और जो बाकी G8 कंट्रीज थी, जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने सोचा कि सिर्फ हम ही लोगों को ना लूप में लेके पूरा विश्व वर्ल्ड डेवलप नहीं कर सकता, हमें एक और ग्रुप का स्थापना करनी होगी जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को डालेंगे। तो उन्होंने G20 बनाया। G20 के अंदर बेसिकली इन्होंने एक ग्रुप बनाया 20 कंट्रीज का, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा कि हम जो है इसके थ्रू गवर्नेंस, इकोनॉमी और इस तरीके की चीज़ों को डील करेंगे। तो ये वाली चीज़ थी, पहले ये सिर्फ इकोनॉमी एंड बिजनेस और ट्रेड पे बात करते थे, लेकिन अब G20 जो है एक लार्ज चीज़ों पे बात करता है, पूरे विश्व के ऑर्डर पे बात करता है। G20 के अंदर जो हैं कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, दो बार लिखा है क्या, अच्छा एक ही बार लिखा है, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। स्पेन जो है इसका परमानेंट इन्वाइटी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड कुछ और भी एजेंसी जैसे कि UN, IMF, एशियन एंड अफ्रीकन यूनियन आर ऑल्सो देयर इन्वाइटीज, ठीक है। G20 जो है वर्ल्ड की 80% ऑफ वर्ल्ड की GDP कंसिस्ट करता है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंसिस्ट करता है, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है इसमें। 1999 में ये फॉर्म करी गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे आए थे मैंने आपको बताया, तो उस समय क्या हुआ था, जब ये फॉर्म करी गई थी ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हर कंट्री के इसमें आते थे। बाद में इसको अपग्रेड करके हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए भी कर दिया गया था, और 2011 में G20 की समिट हुई होनी फिर एनुअली स्टार्ट हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती है। 2022 में इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो इंडोनेशिया के पास है, 2023 में अपने प्यारे भारत के पास है, ठीक है। G20 डू नॉट हैव एनी हेडक्वार्टर, सेक्रेटरीट, एनीथिंग, कोई चार्टर नहीं है। वर्क कैसे करता है? ट्रायका के बेसिस पे करता है। ये ट्रायका क्या होता है गाइस? ये ट्रायका जो है ये तीन कंट्रीज का ग्रुप होता है, जैसे कि 2021, 22, 23, ये तीन कंट्रीज का ग्रुप हो गया। अब ये लोग डिसाइड करेंगी कि क्या एजेंडा रहना है G20 की मीट का उस पर्टिकुलर ईयर में। G20 की जो प्रोसेस होती है वो शेरपास के द्वारा डील करी जाती है, जैसे कि भारत का कोई शेरपा जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा G20 को, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो चाहेगी वो चीज़ वहाँ पर वो करेंगे।
भारत के शेरपा का नाम आज गूगल करके कमेंट अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है, दैट्स इट, ये था G20 की कहानी। अभी ये कहा क्या जा रहा है न्यूज़ में, देखो ये कहा जा रहा है कि भैया भारत को इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर G20 के हम हेड करने वाले हैं, तो बेटर सिचुएशन क्रिएट करी जाए, बेटर तरीके से चीज़ों को रखा जाए। तो कुछ अपने जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, वो हम सबके सामने रखें और विश्व लेवल पर चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, जिसमें एक टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा जो फैलाया जाता है वो तो रहेगा ही। हिंदू वुमेन्स सूट इन ज्ञानवापी केस इज मेंटेनेबल, सेस कोर्ट। तो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है गाइस, इन्होंने मंडे में ये कह दिया है कि अंजुमन इंतजमिया मस्जिद कमेटी जो चैलेंज कर रही थी कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो इसको उन्होंने खारिज करते हुए कहा है कि ये सूट जो है मेंटेनेबल है। ये पूरा हमने पढ़ा हुआ है मसला, पास्ट में बहुत न्यूज़ में था जब ये नया नया आया था, जब वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, ये सब न्यूज़ में थे। पर फ्यूचर में कोई एडिटोरियल आएगा तो फिर इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। CAA पिटीशन टू बी हर्ड ऑन October 31, तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। ईरान सेज इट इज़ रेडी टू कोऑपरेट विद IAEA। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। देखो जब ये ग्रीन झंडी देगी ना तभी ईरान न्यूक्लियर डील हो भी सकती है, वापस से रिवाइव हो सकती है, क्योंकि IAEA के जो बंदे हैं ना वो जाते हैं साइट पे, वो विजिट करते हैं कि भाई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, यूरेनियम तो इनरिच नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें, और अगर वो सही फील करते हैं तो फिर वो हरी झंडी आगे देते हैं। तो पहले तो यहाँ पे यही एक कदम ईरान ने उठाया, अच्छा है, इस कदम को लेकिन कंटिन्यू रखें। मेकिंग न्यूजीलैंड अ रिपब्लिक नॉट अ प्रायोरिटी, प्राइम मिनिस्टर जो न्यूजीलैंड की हैं जैकिंडा एर्डर्न, उन्होंने बोला है। देखो एक्चुअली क्या है ना, कभी कॉलोनी थी न्यूजीलैंड की, ब्रिटिश यूके की कॉलोनी होती थी न्यूजीलैंड, शासन होता था ब्रिटिशर्स का न्यूजीलैंड पे भी। तो हुआ ये कि आज़ादी के बाद भी ना इन्होंने ऑफिशियली मोनार्क जो है ना वो आपके जो हेड होते हैं जो आपके ब्रिटेन के, जैसे कि क्वीन थी, अब प्रिंस चार्ल्स हो गए, तो यही लोग रहते हैं। तो उस पर ये था कि इस बार इसको ख़त्म कर देते हैं और प्रॉपर रिपब्लिक बना लेते हैं, लेकिन अभी वही चल रहा है कि फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, तो वही वाली चीज़ चल रही है, ठीक है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी ये है, तो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि इन लोगों ने भी ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। मतलब वर्क तो करने को तो अपना ही इंडिपेंडेंट है, बट एक एक्सेप्टेड ये रहता है कि हाँ हमारे जो हेड हैं वो मोनार्क हैं, ब्रिटिश मोनार्क जो भी रहेंगे, तो ये वाली चीज़ है। तो ये था हमारा गाइज आज का सेशन, हमने कुछ न्यूज़ देखी, प्लस हमने फिर G20 के बारे में डिटेल में देखा, हमने यहाँ पे US जो एक हरकत कर रहा है F-16 फाइटर जेट्स वाली वो देखा, एशिया कप के बारे में देखा, इंडिया बांग्लादेश के टाइज से रिलेटेड पूरा का पूरा एक आर्टिकल देखा। तो ये था गाइज हमारा आज का सेशन, आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो। आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहें कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करो, पेपर पास में है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, टेक केयर।